श्री कृष्णाय नमः भी कह सकते थे, गोविंदाय नमः भी कह सकते थे, श्री सत्यम परम धीमहि, देवी का दुर्गा दिव्य धीमहि, शंकर जी का भी नाम ले सकते थे। ऐसा क्यों नहीं? व्यास जी कहते हैं कि ये सत्य आप जिसको भी इष्ट मान लो, ये वह सत्य है जो कि निराकार ब्रह्म है, परब्रह्म है। अब गोविंद की यहां पर क्यों बखान है? क्योंकि यहां पर सत्य स्वरूप गोविंद को ही बाद में माना गया। जब देवकी मैया के गर्भ में मेरे ठाकुर जी प्रकट होने वाले थे, जन्म लेने वाले थे, एक तो ठाकुर जी भगवान का प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, लेकिन अपनी अपने भक्तों को अपनी लीलाओं से मोहित करने के लिए मेरे ठाकुर जी ने जब जन्म ले रहे थे, तब सारे देवताओं ने उन्हें सत्य सत्य कहकर पुकारा। क्या कहा? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम त्रिसत्यस्य योनिम निहतम चा सत्य सत्यस्य सत्यमृत सन्नित्रम सत्माकम।